देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। शुरू करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड और गोवा में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार। 14 फरवरी को उत्तराखंड के सभी 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर होना है मतदान। यूपी में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। दमखम दिखाएंगे दिग्गज। आज कन्नौज के तीवरा में रैली को संबोधित करेंगे। यहां तीसरे चरण में होना है मतदान। रैली में संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवार भी रहेंगे उपस्थित। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां की पूरी। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों के बैठने की भी व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर के मोदी मैदान में भी रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रुद्रपुर में अब तक की होगी तीसरी जनसभा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम के संबोधन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। उत्तराखंड में अमित शाह की एक के बाद एक तीन रैली। धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में शाह की जनसभा। पहली रैली धनौल्टी में। हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक में कॉलेज यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक बंद। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवेदनशील इलाकों में शांति बैठक करने के दिए निर्देश। कर्नाटक में स्कूल खुलने को लेकर स्थिति साफ नहीं। हालांकि स्कूलों को लेकर सीएम बोम्मई ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए जाने चाहिए एहतियाती कदम। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, एसपी और डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों के प्रमुख स्कूलों का दौरा करना चाहिए, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न हो। बहालगढ़ थाने का एडीजीपी संदीप खिरवार ने किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले संदीप खिरवार, कहा, अपराध पर अंकुश लगाना और जनता की सुरक्षा हमारी प्रथम जिम्मेदारी। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने की कही बात। हिसार जिले में बीती रात हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित बुलेरो पेड़ से जा टकराई। हादसे में युवक की मौत, तो वहीं बच्चे समेत महिला को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। सोनीपत में धूल फांक रही महापुरुषों की प्रतिमाएं। प्रतिमा की सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल और गेट भी हुए खराब। ग्रामीणों ने बताया कि केवल विशेष पर ही नगर निगम की तरफ से कराई जाती है साफ सफाई। रतिया में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने गांव में पंचायतों कर लोगों का मांगा सहयोग, तो वहीं नशे की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दिया अपना सहयोग। अनाज मंडी स्थित गांधी पार्क के पास मिला भ्रूण। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेजा भ्रूण। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। झज्जर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। गुला चीका में लगातार युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शख्स के कब्जे से 860 नशीली गोलियां बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएसपी किशोरी लाल ने दी जानकारी। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत किया मामला दर्ज।
सिरसा में एक्शन मोड में प्रशासन। बरनाला रोड से पुलिस ने एक युवक को 20 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण ने तो शाम का किया दौरा। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मीडिया से भी हुई रूबरू। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले सुखविंदर शिवराण, कहा 5 राज्यों में चुनाव के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार कमेटी का करेगी गठन। देश के किसानों की समस्याओं को किया जाएगा हल। बरनाला में सीएम चन्नी ने जनसभा को किया संबोधित। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। संबोधन के दौरान चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। संबोधन के दौरान बोले चन्नी, कहा भगवंत मान मेरी प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाते हैं। अगर उन्हें मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा लगती है तो वे अपनी प्रॉपर्टी मुझसे चेंज कर सकते हैं। यूपी में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरोहा से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम अहमद ने छोड़ा कांग्रेस छोड़ सपा में सपा का थामा दामन। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूपी में चुनाव को लेकर जोरों पर बीजेपी की तैयारियां। बैरिया से बीजेपी उम्मीदवार आनंद स्वरूप शुक्ला ने भरा नामांकन। साथ ही मौके पर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आनंद स्वरूप शुक्ला ने पार्टी की जीत का किया दावा। कहा जनता का मोदी और योगी के प्रति आगा प्रेम, जिसके चलते फिर यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। औरैया में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का मामला आया सामने। 50,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को किया गिरफ्तार। आवास दिलाने के नाम पर कर्मचारी ने की थी ठगी। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया औचक निरीक्षण। मौके पर कलेक्टर ने पार्किंग और साफ सफाई व्यवस्थाओं की ली जानकारी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। कानपुर के टाट मिल पुल पर ई बस ने बरपाया कहर। ई बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना के बाद लोगों ने बस में की तोड़फोड़। सभी घायलों को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। जैसलमेर में मरु महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। कलेक्टर के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। अधिकारियों ने झाड़ निकालकर दिया सफाई का संदेश। कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने शहरवासियों को दिया निमंत्रण। बवाना में हुआ बड़ा हादसा, गिरा राजीव रतन आवासीय योजना का फ्लैट। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत फिलहाल 2 लोगों को निकाला गया बाहर। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दोहरी रफ्तार से कर रही काम। योगी ने शाहजहांपुर में कराए गए विकास कार्यों को विस्तार से रखा सामने। साथ ही अपील की, बोले अपराध को बढ़ावा देने वाले वोट ना दें। चाकसू में बेटियों को मिली नई उड़ान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ निःशुल्क साइकिल वितरण। कक्षा 9वीं की छात्राओं को दी गई साइकिलें।
नूरपुर सिविल अस्पताल में तैनात महिला एम्बुलेंस चालक बनी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा। 22 साल की उम्र में नैन्सी ने थामा एम्बुलेंस का स्टीयरिंग। कुल्लू के सेंज रैला में टला बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पहाड़ी पर अटकी बस, बाल बाल बचे यात्री। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस से लोगों को निकाला बाहर। इस दुर्घटना में कुछ लोगों को आई हल्की चोटें, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, तो वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का लिया जायजा। बिलासपुर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा शुरू। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया शुभारंभ। लोगों को मिलेगी राहत, नहीं चुकानी पड़ेगी भारी फीस। कांगड़ा में डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। मीडिया से बातचीत के दौरान सुमेधा द्विवेदी ने दी जानकारी। बोले, चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुरुस्त और दुरुस्त रखने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। नूरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल। पंजाब की तर्ज में छठा पे कमीशन लागू करने की मांग। डॉक्टर्स ने दी चेतावनी, कहा मांग पूरी नहीं होने तक रोजाना होगी 2 घंटे की हड़ताल। सुंदरनगर के बायला गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 युवकों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवार को 50 और घायलों को 10,000 रूपए की राहत प्रदान की। बिलासपुर पुलिस ने रोहतक के शंढाई गांव से नशे की हालत में एक शख्स को किया गिरफ्तार। युवक से पिस्तौल भी बरामद। एसपी ने दी इसकी जानकारी, कहा आरोपी किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चार मार्च से ऊना में धर्म संसद का आयोजन। देश भर से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। सनातन धर्म की रक्षा और अस्तित्व को लेकर की जाएगी चर्चा। चुनावों के बीच दल बदल का दौर जारी। लालकुआ में हरीश रावत की अध्यक्षता में 56 बीजेपी कार्यकर्ता समेत 2 सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ थामा कांग्रेस का दामन। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। प्रगति पर मार, पिछड़ा कारोबार, मजदूर किसान और दुकानदार, शिक्षा स्वास्थ्य या फिर रोजगार, हर तरफ कोरोना का कड़ा प्रहार। महामारी के आगे सिस्टम भी लाचार। कोविड से कैसे लड़ रही सरकार, खबर फास्ट पर देखिए सोनीपत ई संचार 12 फरवरी शाम 5 बजे वार शनिवार। की समस्या से परेशान, जुकाम, सिर दर्द हो सकता है मॉर्निंग एलर्जी का संकेत। डॉक्टर मनोज यादव स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पालेराम कटारिया
डिप्टी सीएमओ जींद देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 34 पेटी की बरामद, शराब की पेटियां जब्त कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर मेराज हुसैन ने रुड़की का किया दौरा, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जीत का किया दौरा, कहा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। पिरान कलियर के दौरे पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, मौके पर मनीष सिसोदिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया ने लोगों को आप पार्टी की गिनाई उपलब्धियां, कहा हमारी पार्टी वादा नहीं गारंटी देती है, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हिंद प्रशांत रणनीति पर अमेरिका ने जारी की रिपोर्ट, कहा एलएसी पर चीन की हरकतों की वजह से कई चुनौतियों से जूझ रहा भारत। ईरान ने मनाई इस्लामिक क्रांति की 43वीं वर्षगांठ, हजारों कार बाइक सवारों ने परेड में लिया हिस्सा, राजधानी तेहरान में कई जगहों से जुलूस शुरू हुए जो विभिन्न मार्गों से होते हुए आजादी स्क्वायर पहुंचे। इमरान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, कहा भारत के साथ चाहते हैं संबंध सामान्य करना मगर कश्मीर बड़ा मसला। अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट से लोगों का हुआ बुरा हाल, हालात से निपटने के लिए यूके के अधिकारियों ने की तालिबान से बातचीत। यूक्रेन पर अमेरिका की कड़ी चेतावनी, कहा बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान ही हमला करेगा रूस, तनाव घटाने के लिए आज पुतिन से बात करेंगे बाइडेन। रोहित की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास, कई सालों में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में किया क्लीन स्वीप, आखिरी मैच 96 रन से जीता। जीत के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा का बयान, खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नजर आए हिटमैन, खास तौर पर टीम के गेंदबाजों का जताया भार। आज से आईपीएल मेगा ऑक्शन का आगाज, इस बार 10 टीमें लेंगी हिस्सा, कतार में 590 खिलाड़ी, ऑक्शन में सबसे पहले 10 मार्च को खिलाड़ियों पर लगेगा बोली। टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट के कारण केएल राहुल और अक्षर पटेल टीम से बाहर, तो वहीं गायकवाड़ और हुड्डा को मिला मौका। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने की रोहित की तारीफ, सलमान भट्ट बोले एक कप्तान के रूप में हिटमैन का प्रदर्शन टॉप क्लास। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।